नमस्कार एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज का समय जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं वो एक ऐसा समय है जहां पर हर तरफ भय व्याप्त है और कहीं ना कहीं ये हम लोगों की अपनी गलतियों का ही परिणाम है। मैंने अपने कई वीडियोस में जब शनि का मकर राशि में ट्रांजिट हुआ था, गोचर हुआ था, तो अपने कई वीडियोस में जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स जरूर शेयर करूंगी, आप लोग देखें, जिसमें मैंने बार बार एक बात कही थी कि ये आमूल चूल परिवर्तन का समय हो सकता है। ये शनि की घर वापसी है और वो इस घर की सफाई करने का काम करेंगे। हर व्यक्ति को किसी न किसी बड़े परिवर्तन से गुजरना होगा। ये समय परिवर्तन का है और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे और खुद को सुधार लेंगे उतनी ही जल्दी आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस पेंडेमिक से भी हमने कुछ खास नहीं सीखा और अच्छा भला कोरोना जो कि समाप्ति की तरफ नजर आ रहा था, हम इतने रिलैक्स हो गए, हमने फिर वही अपनी गतिविधियां जारी कर दी कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियों की वजह से या इसके जो भी साइंटिफिक रीजन हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का केयरलेस होना, जो एक केयरलेस वाला जो एटीट्यूड था कि अब तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना, उसकी वजह से ये दोबारा एक फिर से बड़ी पेंडेमिक के रूप में, बड़े पेंडेमिक के रूप में हमारे सामने आया है। शनि का यह स्वभाव है कि वो आपको समय देते हैं, आपको कई लेसन्स देते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं सीखते हैं तो वो अपने कड़े दंड विधान को लागू करके फिर आपको वो बात कठिन शब्दों में या आप कह सकते हैं दंड के साथ सिखाते हैं। शायद आज हमारे साथ यही हो रहा है। इस भय के माहौल को में कैसे रहा जाए, आप लोगों के लिए छोटी सी एक सलाह है। अपने को ईश्वर के आगे पूरी तरह इस वक्त सरेंडर करना होगा। किस जो भी इष्ट आपके हैं, जिस ईश्वर को भी आप मानते हैं, उनके लिए 5 मिनट उनका स्मरण अवश्य करें और अपने और अपने घर की भलाई के लिए, सेफ्टी के लिए प्रार्थना करें। जितने भी हमारे ये रक्षा कवच होते हैं, चाहे वो राम रक्षा स्तोत्र हो, बजरंग बाण, दुर्गा सप्तशती का कवच हो, कुछ भी हो सकता है, महामृत्युंजय का जाप हो, ये सब चीजें आपको अंदर से थोड़ा सा मजबूत करेंगी, आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेंगी और कुछ नहीं तो कम से कम आपको अपने अंदर इस स्थिति से निपटने की, लड़ने की एक ताकत अवश्य महसूस होगी। देखिए, इन मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। मंत्र बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाए जाते हैं, उनकी जो भी एनर्जी होती है वो बहुत सेट एनर्जी होती है। जिस चीज के लिए जो मंत्र लिखा जाता है उसकी एक एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जो ब्रह्मांड को भेजी जाती है और वहां से उस चीज के परिणाम वापस हमको मिलते हैं। तो ये होती है मंत्र चांटिंग। आजकल नवदुर्गा चल रही है, शक्ति का पर्व मनाया जा रहा है और मेरा मानना है कि सप्त श्लोकी दुर्गा, दुर्गा सप्तशती के ही 7 श्लोक हैं जिनमें की अद्भुत शक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली 7 मंत्र हैं। ये रोज अगर आप ये 7 मंत्र पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप 7 नहीं पढ़ सकते हैं तो आज मैं आपको 3 मंत्र बताऊंगी जो आपको प्रतिदिन अवश्य पढ़ने चाहिए, आज के समय में अपनी मानसिक शारीरिक स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए है। सबसे पहला जो आप सभी को पता है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा है
सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते भये भयस्त्रा हिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। और तीसरा, रोग से लड़ने के लिए सबसे अच्छा और सिद्ध मंत्र है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रिता प्रयान्ति। ये तीन मंत्र आप रोज सुबह इनका जाप करें, आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति जन्म लेगी। इस पेंडेमिक में आप डरेंगे नहीं और सुरक्षा के नियमों का पालन अवश्य करें। खुद को समाज से दूर कर ले, काट ले, अपनी अंतर यात्रा पर निकल जाएं। जब जरूरी ना हो बाहर ना निकले। धन्यवाद।